विधानसभा चुनाव के लिए जैसे जैसे नामांकन की तारीख नजदीक आ रही है, नामांकन भरने की गति भी तेज हो गई है। रोजाना चुनाव लड़ने के लिए दावेदार नामांकन पत्र लेने के साथ ही जमा भी कर रहे हैं। गुरुवार को कसरावत कांग्रेस प्रत्याशी सचिन यादव ने अपने बड़े भाई एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर नामांकन फॉर्म दाखिल कराया। इसके अलावा बड़वा कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल, भगवानपुरा कांग्रेस प्रत्याशी केदार डावर ने भी नामांकन पत्र दाखिल कराए। नामांकन प्रक्रिया के बाद मीडिया से चर्चा में यादव बंधुओं ने कहा कि उन्हें 2018 की तरह इस बार भी जनता का आशीर्वाद मिलेगा। हाल ही में भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रहलाद पटेल द्वारा दिए गए बयान पर यादव ने कहा कि पटेल वरिष्ठ नेता है, उनसे ऐसे बयान की उम्मीद नहीं थी। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। शुरू हो चुकी है और इसी तारतम्य में आज मैं अपना नाम निर्देशन पत्र यहाँ पर दाखिल करने के लिए हम लोग सभी साथी यहाँ पर आए हैं। जिस प्रकार से 2018 में भी मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दिया था, उसी प्रकार से 2023 में भी पूर्ण बहुमत के साथ जो है कांग्रेस की सरकार आने वाली है। और विशेष रूप से जो 15 महीने का हमारा जो कार्यकाल गया है और जिस कार्यकाल में हमने जो जन कल्याणकारी योजनाएं हमने लागू करने का काम किया, निश्चित तौर पर मेरा आदिवासी विधानसभा क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र है, उसमें जो मूलभूत आवश्यकता है, हमारे सिंचाई के साधन की बहुत कमी है। हमारा क्षेत्र पहाड़ी है, पठारी क्षेत्र में तो नर्मदा की लाइन आई है लेकिन पहाड़ी क्षेत्र पूरा सूखा है, हम उसको प्राथमिकता देंगे। क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, उनको ठीक करना है। समूचे मध्य प्रदेश में बदलाव की बयार है और मैं प्रदेश की जनता को का बहुत आभार मानता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। 2018 में भी मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दिया था। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक निर्वाचित सरकार हमने बनाई थी, जिस सरकार को बेईमानी से लूट लिया गया और 2023 में पुनः विधानसभा के चुनाव में समूची मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी के साथ में है। शिवराज सिंह का बयान आया है कि टिकट बदल रहा है, शिवराज जी अपनी खुद की चिंता करें, अपनी पार्टी की चिंता करें, कांग्रेस पार्टी की चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है। भैया प्रदेश में आपकी जिम्मेदारी क्या रहेगी, भूमिका क्या रहेगी पूरे प्रदेश में? देखिए सरकार बनानी है, इसमें सभी हमारे वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में हम सब लोग काम कर रहे हैं और जो भी जिम्मेदारी, अब प्रचार का समय शुरू हो चुका है, नॉमिनेशन की तैयारियां हो रही हैं और सभी हमारे उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं, नॉमिनेशन का काम चल रहा है। उसके बाद हमारे तमाम वरिष्ठ नेता, प्रियंका जी, राहुल जी, खड़गे जी, सोनिया जी के दौरे प्लान्ड है मध्य प्रदेश में और उनके साथ अन्य नेताओं के भी दौरे प्लान्ड है, तो सब लोग मिलकर सरकार बनाने में जुटे हैं। आप पिछली बार भी बुधनी से चुनाव लड़ रहे, इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे? मैंने स्पष्ट पार्टी से कहा, वरिष्ठ नेताओं से भी कहा है कि मुझे इस बार चुनाव नहीं लड़ना है, मैं पार्टी के लिए काम करूंगा और सरकार बनाने हम लोग मदद करें। भैया निर्माण में जैसे परंपरा रही राहुल जी और प्रियंका जी की सभा, तो ये क्या प्रस्तावित? अब ये अभी इस पर कहना जल्दीबाजी होगी, जो वरिष्ठ नेता और जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जो हमारे महासचिव हैं कमलनाथ जी हैं, वो जो तय करेंगे, मुझे लगता है शीघ्र इसके बारे में खुलासा होगा। निर्माण में 6 की 6 सीटें कांग्रेस के पास थी और पूरे प्रदेश में कितनी सीटें आएगी? निवाड़ की खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बड़वानी चारों जिलों में समस्त सीटें जीतने का हमारा प्रयास है और 2/3 बहुमत से मध्य प्रदेश सरकार आने चाहिए। मिशन 150। वो पहले अपने निर्दलीय के रूप में आए, फिर कांग्रेस के रूप में विधायक बनकर रहे और 2 साल बाद उन्होंने अपनी भारतीय जनता पार्टी में परिवर्तन हो गया, जब खंडवा लोकसभा उपचुनाव के चलते हुए और भारतीय जनता पार्टी भी चले, तो उन्होंने एक व्यवसाय के रूप में राजनीति को लिया है। जनता की सेवा करने के लिए वो राजनीति में नहीं आए, ये मेरा मानना है। और आज की तारीख में धन और वैभव की लड़ाई है और नरेंद्र पटेल गरीबों के साथ है। तो गुजर समाज किसके साथ रहेगा, दोनों गुजर प्रत्याशी? देखो ऐसा है कि गुजर समाज एक ऐसी समाज है
जिसको विकास चाहिए, और वो विकास पूर्व मेरे जब पटेल साहब ताराचंद जी पटेल सांसद और विधायक रहे थे, वो देख चुके हैं कि उन्होंने किस प्रकार से उस क्षेत्र का विकास कराया था। और गुजर समाज ने अन्य समाज को भी मैं तो बात करना चाहता हूँ, और पिछले वर्ष 5 वर्षों का जो इनका कार्यकाल गया, उस कार्यकाल में इन्होंने किसी प्रकार का विकास नहीं किया गया, तो बड़भा विधानसभा के समृद्ध जो मतदाता भाई हैं उनको अच्छे से ध्यान है कि कौन बड़भा विधानसभा का विकास कर सकता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।